मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, ये लिखा भी हुआ है पढ़ने। तो मैं आज ये वीडियो बनाई है कि जो हमने इस वीक में मैंने चार्ट बनाए थे उनका क्या रिजल्ट है और कितने चार्ट सही हुए हैं और क्या मतलब कि कौन कौन से चार्ट के टारगेट्स हिट हो गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का एक चार्ट तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया, मैंने इस वीक में सेल करवाया था स्टार्ट में, और ऑलमोस्ट वो जो चार्ट है वो 250 पिप्स दे गया है, वो वाला चार्ट जो है ना। तो ये मैंने अभी 2 डेज ago, 2 दिन पहले पोस्ट किया था ये वाला चार्ट भी, आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैंने जब बाय किया था तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाय किया था, ये वाला हमारे पास लेवल था जब मैंने बाय का कहा था, जब मेरा चार्ट पोस्ट हुआ था। तो फॉर एग्जांपल जिन्होंने यहाँ भी बाय किया, इसको 1238 में भी बाय किया जिन्होंने, तो आप देख सकते हो कि उनको भी 100 पिप्स ऑलमोस्ट मिल गए यहाँ तक। ठीक है, अब जिन्होंने बाय किया था उनका ठीक है, मैंने भी किया था यहाँ पे पर्सनली, और मुझे तो 100 100 पिप्स मैंने ट्रेड क्लोज की थी अपनी, और मुझे था कि शायद मेरे भी यहाँ तक जाए, लेकिन नहीं गया वो नीचे वाली, ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, ये वाली भी ब्रेक हो गई। और आप देख सकते हो कि ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई है लेकिन रीटेस्ट नहीं हुई, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है रीटेस्ट अभी तक नहीं हुई। अब नीचे एक और मेजर सपोर्ट एरिया आ रहा है, तो मे बी गोल्ड गोल्ड की अगली स्विंग जो है वो लग रहा है मुझे कि मे बी यहाँ तक आए फिर यहाँ तक जाए, और मे बी यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक जाए। लेकिन पॉसिबल है कि इस एरिया में से ये गोल्ड जो है ये ऊपर जा सकता है, ये वाला जो 1219 वाला एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, और इस एरिया में से बाउंस कर सकता है ये अगली बार। तो मैं इसका चार्ट भी, मेरा यही चार्ट है, अभी मैंने इसको और नया चार्ट कोई अपडेट नहीं किया। तो अभी जिन लोगों को मतलब जिन लोगों ने लेट लिया हो तो अब उनका पता नहीं, बहरहाल मतलब ये मैं तो अगर यहाँ से बाय स्टार्ट करता तो यहाँ तक ये वाला सारा एरिया मैं बाय करता स्मॉल लॉट से यहाँ तक, और इसके नीचे ऐसे लगा के इसको छोड़ देता। चलिए जी, ये हो गया हमारा गोल्ड का चार्ट, और जिन्होंने लिया था उस टाइम जैसे ही मैंने चार्ट पोस्ट किया था, अब जो लोग फॉलो करते हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि चार्ट अपडेट हो गया, जिन्होंने फ़ौरन से इसको लिया है तो उनको तो प्रॉफिट हो गया होगा, बाकी उनका अल्लाह हाफिज़ है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं आप, ये वाला एरिया जो है इस पर अभी प्राइस को आने दो, यहाँ तक वेट करो। मुझे लग रहा है बहुत यहाँ पे विक्स तो है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, यहाँ पे ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से बाय हो सकता है ये। ठीक हो गया जी, चलेंगे अब अगले चार्ट पे चलते हैं। AUD USD का चार्ट है हमारे पास, तो ये देख सकते हो ये वाला चार्ट जो है ये 3 दिन पहले पोस्ट किया था, ये देख सकते हो टाइम, और जब पोस्ट किया था तब ये प्राइस चल रही थी, यहाँ पे पोस्ट किया था बेस एड में, मतलब कि अब देख सकते हो आप ये ट्रेंड लाइन, मैंने लिखा हुआ था वेट एंड सेल द क्लियर ब्रेकआउट, अब देख सकते हो ये नीचे क्लोज हुई है, इस कैंडल की बॉडी जो है इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हुई है। 4 आवर का चार्ट था ये, तो मतलब 4 आवर की कैंडल अगर नीचे क्लोज हुई है तो इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया है। अब सेल कहाँ से पकड़ना था, सेल यहाँ से पकड़ना था, ये वाला जो विक्स जिसमें विक लगा रहा है ये, मतलब इसने रीटेस्ट भी किया है इस ट्रेंड लाइन को, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद फ़ौरन से धर्म से ड्रॉप हो गया टारगेट 1 पे, और अब टारगेट 2 की तरफ जा रहा है, होपफुली टारगेट 2 लगता है हिट हो जाएगा। ठीक है, इस एरिया में मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत स्टॉप होगा लेकिन स्टॉप नहीं हुआ, ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन ये देख सकते हो अब यहाँ पर ब्रेक हुई है, और विक ने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है और टारगेट 1 के बिलो क्लोज हुई है, इसका मतलब है ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो गई है। USD काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा था स्ट्रॉन्ग था, लेकिन AUD बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एकदम ही ड्रॉप हुआ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब टारगेट 2 तक हिट करेगा, उसके बाद देखेंगे इसका अगला चार्ट मैं पोस्ट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम GBP USD पे। GBP USD का चार्ट 3 दिन पहले पोस्ट किया था मैंने, ये आप देख सकते हो टाइम फ्रेम, यहाँ पे 3 दिन पहले चार्ट पोस्ट किया था, ये वाला एरिया जहाँ पे सेल का कहा गया था, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ये वाला एरिया ये वाला एरिया जो था सेल द ब्रेकआउट, ये वाला एरिया सेलिंग एरिया था इसका। अब आप देख सकते हो हाफ डे तक आ गया, सिर्फ टारगेट एरिया थोड़ा ही दूर है, जिन लोगों ने ट्रेड ली थी वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सेल एंट्री भी कर सकते हैं या हाफ लॉट बुक कर सकते हैं, और या अगर वेट करना है तो टारगेट एरिया का वेट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लग रहा है कि ये वाली जो है प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है कुछ, तो मे भी प्राइस यहाँ से एक बार दोबारा इसको रीटेस्ट करने के बाद डाउन है। ठीक
ठीक हो गया यहाँ से। अब नहीं लगता मुझे यहाँ से अब जाएगी, अगर अप गई तो यहाँ तक ही जाएगी, मैक्स यहाँ से फिर डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है इसकी, आप देख सकते हो इस एरिया में बहुत सी बार इसने भी टेस्ट किया था जब इसने ब्रेक डाउन किया है इसको। अच्छा जी, अगला चार्ट हमारा आ जाता है यूएसडी जेपीवाई का। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, ये वाली प्राइस अभी करंट चल रही है 1.445, ठीक हो गया। और आप देख सकते हो कि ये वाला चार्ट भी टारगेट वन के ऑलमोस्ट बहुत करीब है। पहले मैंने यहाँ पे बाय करवाया था, एसएल तो उस मेजर सपोर्ट के एरिया था, ये के बिलो ही था, और यहाँ तक भी प्राइस आई, तो पहले यहाँ पे बाय करवाया था, मतलब जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था तब प्राइस ये थी। ये जो आप येलो एरिया देख रहे हो ये तब का है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा टाइम जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था, उसके बाद प्राइस यहाँ तक गई है एक बार, लेकिन फिर इसने बॉटम टेस्ट किया और देख सकते हो टारगेट वन पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है टारगेट वन पे। जिन लोगों ने एंट्री ली है वो क्लोज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पिप्स उनको मिल गए, उन लोग फुली वन 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 टू मतलब ये 1.1200 से पाया था, तो 1.13 और 1.4 मतलब 250 पिप्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो अगर आप ये चार्ट, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके कॉस्ट वोस्ट या कोई पैसों के लिए चार्ट नहीं बनाता, तो ये मैं बस अपना एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। क्या पता जिन लोगों को ट्रेडिंग अभी नहीं आती, मोस्टली लोग तो जानते हैं, जो मुझे नए हैं फॉलो कर सकते हैं चार्ट को, चार्ट में हर एविडेंस होता है कि क्यों डाउन जाएगी, रीज़न क्या है हमारे पास और क्या इसका मकसद क्या है, डाउन कहाँ तक जाएगी, आप कहाँ तक जाएगी मार्केट, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे tradingview.com पे। और अगर आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं हर पेयर का जो एनालिसिस है वो वीडियो बना के पोस्ट कर दिया करूँगा यूट्यूब पे, मतलब पूरी डिटेल बता दिया करूँगा कि आपको कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ से सेल हो सकता है, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लग सकते हैं, सिक्योर स्टॉप लॉस हमारे पास कौन सा है, ये वो मैं आपको पूरी डिटेल बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मैं लिंक दे दूँगा ट्रेडिंग व्यू का, उसके थ्रू आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पर फॉलो कर सकते हो, मेरे आइडियाज़ जो हैं उनसे अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो मेरे लिए खुशी की बात है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग कैरियर।